रासायनिक नियंत्रण में केवल आक्रमित क्षेत्र में पत्तों के नीचे वाली सतहों पर ही 0.1% मोनोक्रोटोफॉस के घोल को स्प्रे करें। इस प्रक्रिया को 15 दिन बाद दोहराएं। पूरे खेत में स्प्रे मत करें। होलो ट्राइकिया जातियां, जिन्हें सफेद गिंडार के नाम से जाना जाता है, गन्ने के खेत में मृदा के अंदर वाले हिस्सों जैसे कि जड़ों व तने के टुकड़ों को क्षति पहुंचाते हैं। तत्रस्त हालातों में सारे के सारे खेत सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रौढ़ बीटलों को गर्मियों की पहली बारिश की रात को इसके मेजबान वृक्षों से इकट्ठा करें व ऐसा अगले 5 दिनों तक करते रहें। सफेद गिंडार से तत्रस्त क्षेत्रों में जहां तक संभव हो सके नीम के पेड़ों के पास की जमीन को सितंबर महीने से फरवरी तक हर महीने गहराई से जोतें, ताकि गिंडारों, उनके प्यूपों और निष्क्रिय प्रौढ़ों को सूर्य की गर्मी से सुखाया जा सके व उन्हें पक्षियों और दूसरे परभक्षियों को भोजन बनाया जा सके। खाली पड़े खेत में 48 घंटों के लिए पानी खड़ा करने से डिम्भों को बाहर लाकर इकट्ठा कर उन्हें नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार गिंडारों को मारने के लिए खड़ी फसल में भी पानी को 48 घंटों के लिए खड़ा किया जा सकता है, जो पानी की उपलब्धता व मृदा वर्ग पर निर्भर करता है। खेत में पानी खड़ा करने से पहले गन्नों की ठीक ढंग से बंधाई कर दें, ताकि बाद में गन्ने गिरे नहीं। फसल चक्र में धान की फसल लेने से गिंडारों की भूमिगत विभिन्न अवस्थाओं को नष्ट किया जा सकता है। एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड्स गिंडारों से प्रभावी रूप से लड़ने के लिए उपलब्ध हैं। दीमक की 13 जातियां गन्ने में आक्रमण करती रिपोर्ट की गई है। रोपण के समय बीज टुकड़ों व बाद में शाखाओं, गन्नों और कटाई के बाद ठूंठों यानी के स्टबल्स में भी दीमक गन्ने की हर प्रवस्था में इस पर आक्रमण कर सकती है। दीमक कटे भागों या कलिकाओं के रास्ते गन्ने में घुसकर नरम ऊतकों को खाकर उन्हें वापस मिट्टी से बदलती जाती है। अंततः आक्रमित गन्ने सूख जाते हैं। सूखे के हालातों व हल्की संरचना वाली मृदाओं में दीमक के कारण अपेक्षाकृत क्षति अधिक होती है। दीमक के नियंत्रण के लिए गन्ने के खेतों में व उनके आसपास दीमक के टीलों को नष्ट कर दें। इसकी भूमिगत रानी को मारने के लिए कीटनाशी क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी के 50 मिलीलीटर को 10 लीटर पानी में मिलाएं। टीलों के अंदर के गलियारों को इस घोल से संतृप्त कर दें। अगर इससे रानी मरती नहीं है तो अगले 10 से 15 दिनों में आपको वहां ताजी मिट्टी इकट्ठी होती दिखाई देगी। इन हालातों में टीलों के अंदर व चारों तरफ बर्मे से गहरे छेद बनाकर कीटनाशी घोल को डालें, ताकि रानी को मारा जा सके। खरीफ फसल में आक्रमित गन्नों के समूहों के चारों ओर क्लोरपाइरिफॉस 20 ईसी से उपचार करें। रोपण के समय बीज टुकड़ों के कटे सिरों को कॉन्फिडोर के घोल में डुबोएं। घोल को तैयार करने के लिए 4 मिलीमीटर कॉन्फिडोर को 10 लीटर पानी में मिलाएं। इस उपचार से रोपित गन्ने को 25 से 30 दिनों के लिए दीमक के आक्रमण से राहत मिल जाती है।